पूरी टीम तैयार किए हैं जॉब अलर्ट्स नाम से। वो जॉब अलर्ट्स नाम से हम लोग एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ का कारोबार है, तो यहाँ के लोगों को प्राधान्य के तौर के ऊपर उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग जॉब अलर्ट्स नाम से एक स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम बच्चों के बायोडाटा लेंगे, बच्चों का बायोडाटा लेके जहां जहां पर भी ये है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो या दूसरे एग्जाम्स हो, बहुत सारे बच्चों को ये बात का पता नहीं रहता है कि वैकेंसीज कहां कहां के ऊपर है, तो उसको एक सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर एक डेडिकेटेड टीम तैयार करके हमारे शोएब साहब है, वो शोएब साहब इसको हैंडल करेंगे पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से। इसका डिटेल जो है वो एक प्रेस नोट के तौर के ऊपर आपको दिया जाएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको एक सेपरेट तौर के ऊपर अगर इसको करेंगे तो, क्योंकि आज के दिन हो ये रहा है कि इतनी बेरोजगारी हो रही है, मतलब आप आंकड़े देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मतलब हजारों की संख्या के अंदर निकाला जा रहा है, हजारों की संख्या के अंदर। वोखार्ट कंपनी के अंदर 100 इंजीनियर्स को एक दिन बुलाया गया, उसमें एक मेरा क्लासमेट है, 25 साल से रिसर्च साइंटिस्ट है वहां पे, 25 साल से उसको बुलाया गया और उसको बोला गया है कि तुम रिजाइन करो नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे करके। लिटरली 100 लोगों को एक ही दिन के अंदर वोखार्ट कंपनी से निकाल देती है और कोई आवाज नहीं कर रहा है। तो ये जो कंपनी जितने भी है जो ये धड़ल्ले से निकाल रहे हैं, उनके ताल्लुक से ये बच्चे कहां जाएंगे, उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेट है क्या? और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम मीटिंग रख के हम ये कह रहे हैं कि प्राधान्य के तौर के ऊपर जो स्थानिक मराठवाड़ा के जो बच्चे हैं, वो मराठवाड़ा के बच्चों को प्राथमिकता देने के हिसाब से उनके पास से हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपके पास अगर प्यून भी चाहिए, चपरासी भी चाहिए, आपको वॉचमैन चाहिए, जो भी चाहिए, इसके जरिए अगर आता है तो एक सेंट्रलाइज ये रहता है एंड टोटली, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हम उनसे 10 रुपए लेंगे या 50 रुपए लेंगे, टोटली एक फ्री सर्विस रहेंगी। लेकिन बेरोजगारी बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, उसके लिए एक उपाय करने के लिए हम लोग एक अपने लेवल के ऊपर एक डेडिकेटेड टीम तैयार करके बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इसका डिटेल आपको हम भेज देंगे।